जमहूरियत में ऐसा मनाजर नहीं हुए कि डंडे मार के उस चीफ जस्टिस को और डरा के उसको भगाया और फिर पैसे चलाए ब्रीफ केस जो माफिया ऑपरेट करता है या एलिमिनेट करता है और या फिर खरीदता है। तो आजाद अलिया को उसने तबाह किया। और जब आजाद अलिया जाती है तो ये याद रखें कि उस मुल्क में आपकी आजादी चली जाती है, क्योंकि आजाद अलिया आइन के मुताबिक आपके जो बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत करती है। मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता रहता हूं, मैं खास तौर पे जो मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से कि आपको समझना चाहिए कि हम क्यों, यानी क्यों सारी दुनिया हमारे से आगे निकल गई है, क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं। बुनियादी वजह इंसाफ ना होने की है। तो मैं ये बार बार आपको समझाता हूं कि 27 साल पहले जब मैंने इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, मकसद ही यह था इंसाफ होता है मुल्क आजाद होता है, वो मुल्क खुशहाल होता है। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, ना वह आजादी होती है, ना वह जमहूरियत होती है, ना वह खुशहाली होती है। तो इस वक्त सारी कौम को खड़ा होना चाहिए अपनी अदलिया के साथ, और मैं उनका खास तौर पर शुक्रगुजार हूं कि जिस तरह उन्होंने कानून के मुताबिक जो बोगस केसेस मेरे ऊपर बनाए हुए हैं एक के बाद दूसरा, 145 केसेस बनाए हुए हैं, अदलिया एक ही जगह हम जाते हैं उम्मीद लेके, और वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे जेल में से बचाया।